यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना थी कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जान कर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा, सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के दो चार पेक भी किए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारे लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की और तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपने जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यही पे ही मार डाला था, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ।
तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत ही एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन तीसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के पर फेंक दिया। भूत के पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वाला की उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस लिया, वहीं पर सो गया। अगले दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना को परी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Soon Film Entertainment Studio KO Subscribe Juror Care. देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। Thanks for watching. Don't forget to subscribe our Film Entertainment Studio and like and share.